एक तरफ निकाय चुनाव की तैयारियां तेज है तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में हैदरगंज वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस प्रत्याशी डोरीलाल यादव ने क्षेत्र का जायजा लिया और अपने लिए वोट मांगे। निकाय चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में हैदरगंज वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस प्रत्याशी डोरीलाल यादव ने क्षेत्र का दौरा किया और उसके बाद बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। कहा कि सरकार के हर फैसले से जनता को दिक्कतें ही हुई, चाहे वो नोटबंदी हो या फिर जीएसटी। सरकार के हर एक फैसले ने जनता की कमर तोड़ दी। जनसंपर्क के दौरान डोरीलाल ने जनता को आने वाली 26 नवंबर को हाथ के पंजे वाले खाने में वोट डालकर विजय बनाने की अपील भी की। बसपा से हैदरगंज द्वितीय वार्ड से प्रत्याशी आनंद यादव ने बुधवार को अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मिलकर पक्का बाग, कश्मीरी बाग, सोनम सिटी, हर्षनगर, सलीमखेड़ा, नाजिम नगर, बादशाहखेड़ा इलाकों में जनसंपर्क किया, लोगों से वोट मांगे। आनंद यादव ने जनता से कहा कि बसपा ने उन पर भरोसा जताकर चुनाव उन्हें लड़ाया जा रहा है, इसलिए जनता भी वोट देकर भारी मतों से उन्हें विजयी बनाए। आनंद यादव ने लोगों से हर संभव विकास कार्यों को कराकर वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए जनता से अपील की है।